लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ओबीसी के विषय में मैंने ये कहा था कि ओबीसी के राजकीय आरक्षण को फिर से पुनर्स्थापित किए बिना चुनाव नहीं होने चाहिए, ये बात पर मैं कायम हूँ। अभी जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने खुद याचिका की थी, हम भी उसके बारे में प्रतीक्षा में थे, उसमें ऐसा निर्णय हुआ है कि ये चुनाव ऐसे ही। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी, विनती करूंगी कि कृपया करके जो मुख्य चुनाव है उसके पहले ये एम्पिरिकल डाटा का विषय कम्प्लीट करे। और अभी जो मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि जो भी जरूरत केंद्र के माध्यम से मदद की आवश्यकता है वो करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का ओबीसी अभी नए मंत्रियों की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है और ये चुनाव उसके बजाय नहीं होने चाहिए, इस पे मैं कायम हूं।